गुड मॉर्निंग बच्चों, 11वीं पशुपालन में आज हम पढ़ेंगे कुक्कुट पालन। इसके अंतर्गत आज हम मुर्गी पालन का चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, जिसे पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। आप लोग सब देखे होंगे आज, है ना, मुर्गी पालन बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है। वैसे तो भारत में मुर्गी पालन जो है प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं, और कहना चाहिए ये हमारे जो देश में विगत 2 दशक से तीव्र विकास कर रहा है। पहले तो नहीं था, लेकिन अब जो है 2 दशक से काफ़ी विकास कर रहा है, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि भारत देश जो है शाकाहारियों का देश है, इसलिए कहना चाहिए मांस अंडा का उपयोग जो है बहुत कम किया जाता था, लेकिन वर्तमान दृष्टि कहना चाहिए परिवेश में मांस का उपयोग बहुत आयात किया जा रहा है, और कहना चाहिए एक प्रकार से ये सस्ता सुगम कहना चाहिए भोज्य पदार्थ है, जो गरीबों के कहना चाहिए पोषक जो है पोषण को, है ना, भरपूर कहना चाहिए पूरा करने में ये सहयोग प्रदान करता है। इसके अलावा ये रोजगार और आय प्रदान करने में भी सहयोग प्रदान कर रहा है। मुर्गी पालन का व्यवसाय प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10% हर साल ग्रोथ कर रहा है। इसका प्रमुख कारण कुक्कुट की अधिक उत्पादन देने वाली नस्लों का प्रादुर्भाव है। पहले हमारे यहाँ केवल देसी नस्ल के ही पाले जाते थे, अब विदेशी नस्ल का भी पालन जो है पोषण किया जा रहा है, जिससे यह व्यवसाय जो है काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। कुक्कुट अर्थात पोल्ट्री जो है एक व्यापक शब्द है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो भी पक्षी हैं, जैसे चूजे जिसे हम चिकन कहते हैं, हंस, गिनी मुर्गी, बतख, पेरू पक्षी, बटेर, है ना, आदि, ये जो है इन पक्षियों का पालन पोषण वितरण जो है ना, विपणन जो है, ये सब कुक्कुट पालन के अंतर्गत कहना चाहिए किया जाता है। मुर्गी पालन जो है अंडा, मांस, पंख, है ना, आदि के लिए किया जाता है, और ये प्रोटीन का सबसे सस्ता भंडार भी है, जिससे किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता है। मुर्गी पालन का कार्य विशेष कार्य जो है क्षेत्र विशेष या निश्चित वर्ग तक पहले जो है सीमित था। कुछ देसी मुर्गियों का पालन अंडे और मांस के लिए किया जाता था, और गांव-गांव से उनके अंडे एकत्र करके शहरों में बेचा जाता था। जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि पहले, है ना, प्राचीन काल में हमारे यहाँ अंडा और मांस खाने वालों को हृदय दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए केवल ग्रामीण क्षेत्र या फिर जो वनवासी थे ये लोग ही मुर्गी पालन का कार्य जो है करते थे, है ना, इसलिए क्षेत्र विशेष तक सीमित रहता था। भारत में सर्वप्रथम कुक्कुट पालन जो है मिशनरीज, जो अंग्रेज जमाने में जो मिशनरीज लोग होते थे, उन्होंने इसको प्रारंभ किया, और इनके विकास के लिए मथुरा, इज्जत नगर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, जबलपुर आदि स्थानों पर इसके अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। फिर बाद में और इनका विकास हुआ, और 1961 में भारत में कुल कुक्कुट पक्षियों की संख्या जो है 11.42 करोड़ के आसपास थी, और अंडे जो है प्रति व्यक्ति 12 अंडे लगभग एक वर्ष में, है ना, नसीब होते थे, जो बढ़कर 1987-88 में 22 अंडे तक पहुंच गया। भारत में कुल लगभग 1823.8 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ, और अंडा उत्पादन में भारत जो है विश्व में 6वें स्थान में गिना जाता है, है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, जापान, चीन, जापान, फ्रांस के बाद भारत का नंबर आता है। राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश प्रमुख अंडा उत्पादक राज्य जो है माना जाता है। संपूर्ण भारत में 1945 में 582 लाख पक्षियों का औसत था, और ये बढ़ते बढ़ते 1979 में, है ना, 66,000 लाख पक्षियों के तक पहुँच गया, और इसी अनुपात में वृद्धि भी हो रही है। 1979 में इज्जत नगर में केंद्रीय चिड़िया अनुसंधान केंद्र खोला गया। 2 नवंबर 1981 में अपना स्थापना दिवस पर एक कुक्कुट मेला लगाया गया, जिसे में ICCARI केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्था विकसित अनेक नस्लों को दिखाया गया। इसके अलावा संस्थान द्वारा विकसित पोल्ट्री और अंडे से बने पदार्थों, आहारों तथा पदार्थों का भी इस मेले में प्रदर्शन कहना चाहिए किया गया, और इसके लिए सतत कार्य कर रहे हैं, और बहुत से संस्थाएं जो हैं खोली जा रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं, है ना, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री, ऑल इंडिया पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एग, एग पोल्ट्री मार्केटिंग फेडरेशन, ये प्रमुख संस्थाएं जो हैं बाद में कार्यरत, है ना, देखी गई हैं, और कहना चाहिए कुक्कुट पालन के विकास में अपना सहयोग दे रही हैं। धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही।